फाइनली वीवो आईपीएल 2020 की उल्टी गिनती शुरू हुई। हमें पहले आईपीएल 2020 देखने को मिलने वाला था 19 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक, लेकिन अब हमें आईपीएल 2020 देखने को मिलेगा 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। जिस तरह से स्टार स्पोर्ट्स ने कहा था कि आईपीएल 2020 की जो फाइनल है उसको थोड़ा यहाँ पे एक्सचेंज किया जाए, यानी कि थोड़ा यहाँ पे बढ़ाया जाए, तो ऐसे ही बीसीसीआई ने उनकी बात रखी और आईपीएल 2020 की फाइनल जो 10 सितंबर को शिफ्ट कर दिया है। और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन गाइज मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल आने वाली है। अब आईपीएल की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, तो आप सभी को आईपीएल में टीम मिलने वाला है फैंटेसी टीम, वो भी फ्री में। तो आप लोग पहले से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाले। तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले बीसीसीआई के बारे में। जिस तरह से बीसीसीआई ने बोला था कि आईपीएल 2020 के जितने सारे विदेशी प्लेयर हैं उन सभी प्लेयर्स के लाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी की है, यानी कि जितने सारे विदेशी प्लेयर हैं अभी यूएई आने वाली उन सभी का जिम्मेदारी बीसीसीआई खुद उठाने वाली थी एंड जितना सारा खर्चा वहाँ पे सब यहाँ पे बीसीसीआई पे करने वाली थी। लेकिन गाइस बीसीसीआई का 2 अगस्त को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में गाइस अभी पूरी तरह से अभी बीसीसीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने बोल दिया कि इतनी सारी परेशानियों को हम लोग झेल नहीं सकते, तो विदेशी प्लेयर का जितने सारे विदेशी प्लेयर को लाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने बोला था वो जिम्मेदारी से हम लोग यहाँ पे पीछे हट रहे हैं और हम विदेशी प्लेयर्स का जिम्मेदारी नहीं लेने वाले, यानी कि हम लोग अब विदेशी प्लेयर्स को आईपीएल 2020 में लाने की जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे हट रहे हैं और जितना पैसा पे करने वाले थे उन सभी पैसों से हम भी पीछे हट रहे हैं, तो हम लोग इतनी सारी जिम्मेदारी इतनी सारी झमेला को हम नहीं ले सकते। और एक टीम की नहीं गई सब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को परमिशन, उसके बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट को, बहुत सारे यहाँ पे झमेला इस बार बीसीसीआई को झेलना पड़ा, तो इसी वजह से बीसीसीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए और वो इस जिम्मेदारी से पीछे हट गए। और ऐसे में सभी टीम के ऑनर्स ने ये पे कह दिया कि हमारे जितने सारे प्लेयर्स हैं विदेशी प्लेयर्स हैं उन सभी प्लेयर्स को लाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम अपने विदेशी प्लेयर्स को लेके यूएई पहुंच जाएंगे, तो इसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी टीम के ऑनर्स ने बीसीसीआई को बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका क्रिकेट के प्लेयर्स आईपीएल 2020 खेलने के लिए आ पाएंगे, तो इसके ऊपर भी बात हुई और ये बीसीसीआई ने खुद बोली जितने सारे प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के जिन जिन टीमों में है उन टीमों से बीसीसीआई ने पूछा क्या आप साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को लेके क्या कहना चाहोगे और आप लोग साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को कैसे लाओगे। तो गाइस इसके ऊपर भी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि गाइस अभी सभी टीम के ऑनर्स ने कह दिया कि जितने सारे साउथ अफ्रीका प्लेयर्स हैं उन सभी को लाने की जिम्मेदारी हमारी, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स में यहाँ पे रकागी सोरावाडा और राजस्थान रॉयल्स के पास यहाँ पे डेविड मिलर है और उसके बाद के जितने सारे यहाँ पे साउथ अफ्रीका प्लेयर्स आईपीएल टीम में खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग इसमें शामिल है। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग ने भी बोल दिया कि जितने सारे यहाँ पे साउथ अफ्रीका प्लेयर्स हैं उन सभी की लाने की जिम्मेदारी हमारी है, यानी कि जितने सारे साउथ अफ्रीका प्लेयर्स है वो सभी प्लेयर्स गाइस यहाँ पे आईपीएल 2020 खेलने के लिए आएंगे और जिन जिन टीमों में साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स है वो सारी टीम यहाँ पे पैसा इकट्ठा करके सब डोनेट करेगी और डोनेट करने के बाद पर्सनल फ्लाइट से गाइस उन सभी को साउथ अफ्रीका से सीधा यहाँ पे यूएई लैंड कराएगी, यानी कि गाइस यहाँ पे सभी टीमों ने अपने अपने प्लेयर्स की लाने की जिम्मेदारी ले लिया है, क्योंकि उनसे अब इंतजार नहीं हो रहा और इतने सारे झमेला के बाद यहाँ पे अंततः यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, यानी कि हमें सभी प्लेयर्स अब आईपीएल 2020 में देखने को मिलने वाले हैं। सभी के मन में सवाल था क्या एबी डेविलियर्स, क्रिस मॉडी, डेल स्टेन, कागी सोराबाडा, डेविड मिलर और गाइस अभी लुंगी एंगेडे, इमरान ताहिन देखने को मिलेंगे, तो जी हाँ देखने को मिलेंगे और इन सभी प्लेयर्स के लाने की जिम्मेदारी इन टीमों ने ले लिया और साउथ अफ्रीका के जितने सारे प्लेयर्स हैं ये सभी टीम पैसा इकट्ठा करके पर्सनल फ्लाइट से यहाँ पे साउथ अफ्रीका से सीधा यूएई लैंड करवाएगी इन सभी प्लेयर्स को। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, चेन्नई सुपर किंग के लिए और गाइस यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए, जिन जिन टीमों में साउथ अफ्रीका प्लेयर्स खेलते हैं उन टीमों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका प्लेयर्स आप सभी को आईपीएल 2020 में नज़र आने वाले हैं। तो हमारे एबी डिविलियर्स, क्रिस मॉडिस, डेल स्टेन भी नज़र आने वाले हैं, लुंगी एंगिडी, इमरान ताहिर, डेविड मिलर आप सभी को सभी नज़र आने वाले हैं, सभी साउथ अफ्रीका प्लेयर्स आप
सभी को आईपीएल 2020 में नजर आने वाले हैं। तो गाइस आईपीएल 2020 के लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज अभी तक की मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को लेकर बहुत सारे यहाँ पे डाउट सब कुछ क्लियर हो चुकी है और सभी टीमों ने जो कि जिम्मेदारी उठा ली है कि जिन जिन प्लेयर्स को यहाँ पे लाने की जो जिम्मेदारी बीसीसीआई उठाने वाली थी उससे बीसीसीआई पीछे हट चुकी है और यहाँ पे सभी प्लेयर्स के लाने की जिम्मेदारी अब खुद यहाँ पे टीम के ऑनर्स ने उठा ली है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है सभी टीम के लिए और स्पेशली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे आईपीएल से बिल्कुल भी ना ही आने वाले थे लेकिन अब वो भी आने वाले हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जितने सारे फैंस हो, दिल्ली कैपिटल्स के जितने सारे फैंस, चेन्नई सुपर किंग के जितने सारे फैंस है, राजस्थान रॉयल्स के जितने सारे फैंस हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। और कैसे अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।